आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आज हमारी YouTube जर्नी को हो चुके हैं 5 साल, यानी कि हम लोगों ने पहली मरतबा जो रिएक्शन वीडियो डाली थी वो आज के दिन नहीं, आज ही डेट में डाली थी। तो भाई चाहते तो हम यही थे कि हम लोग आज लाइव आए और आप लोगों से बातें करें, लेकिन जो कल हमारे इशू चल रहे थे पावर आउटेज के, उसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज नहीं आते और हम लोग संडे को आएंगे। अब कौन से टाइम पे हम लोगों को आना चाहिए संडे को लाइव, वो जरूर बताना है आप लोगों ने हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में। और अभी जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे, मौसम टाइटल है इंडिया द ग्रेट नेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलग ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हम हमारे देश को कई नाम से जानते हैं और जब भी हमारे देश का नाम सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। लेकिन क्यों हमारा भारत महान क्यों है? व्हाई इज इंडिया ग्रेट? बिकॉज वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जल्दी हम चीन को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे, इसलिए नहीं, नो, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया में एक परिवार है। ऐसी अद्भुत सोच रखने वाला हमारा प्यारा भारत महान है। हम उस देश के नागरिक है जिसके कण कण में संस्कार और तन तन में सभ्यता की मधुर गंगा बहती है। हम उस देश के नागरिक है जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और सात समंदर पार भी आध्यात्मिकता की नगरी कहलाती है। हम उस देश के नागरिक है जिसने दुनिया को योग और आध्यात्मिकता की अमूल्य भेंट से संचारा है। एक परमाणु सशक्त देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि सब में भगवान बसते हैं। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज मोर डाइवर्स देन इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ दुनिया के हर धर्म के लोग एक परिवार है, यहाँ राम के मधुर भजन, रहीम की स्वादिष्ट खीर, जीजस की प्रेयर, वही गुरु दी अरदास और मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है। अनेकता में एकता की इससे बेहतर झलक और भला कहाँ हो सकती है? आध्यात्मिकता की नगरी कहे जाने वाला हमारा प्यारा भारत हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे विश्व के प्राचीनतम एवं प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान रहा है, जहाँ 19,500 से ज़्यादा उपभाषाएं, 122 से ज़्यादा प्रमुख भाषाएं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। इतनी भाषा तो किसी महाद्वीप में भी नहीं बोली जाती। एक ऐसा अद्भुत और अतुल्य देश जिसके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उन सभी के पास उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, कला, परंपरा, पहनावा, नृत्य और संगीत है। द लैंड ऑफ कलर्स, रंगों का देश, जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। एक ऐसा देश जो अपने आप में पूरी दुनिया है। यहाँ स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती, एंटार्क्टिका जैसी बर्फ, सहारा जैसा रेगिस्तान, अमेजोन जैसे जंगल, जापान जैसे खूबसूरत पहाड़, अमेरिका जैसे बीचेस और यूरोप जैसे खूबसूरत शहर है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी उन्नत और समृद्ध है कि जब आज से 5,000 साल पूर्व विश्व की ज़्यादातर सभ्यताएँ बतौर जंगल में जीवन व्यतीत करते थे, तब हमारा प्यारा भारत रामायण और महाभारत का इतिहास लिख रहा था। भारत के ग्रंथ और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ही पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में ही ग्रेविटी की शोध कर दी थी। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। गैलीलियो ने 16वीं सदी में ये खोज की थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने उससे हजारों साल पहले 476 एडी में आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक लिखा था, जिसमें लिखा है भूगोलो सर्वतो वृत्तः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जिस अंतर को खोजने में नासा ने इतने साल लगा दिए,
उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी में ही खोज लिया था। युग सहस्त्र चोरजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। वैदिक गणित के अनुसार युग यानी कि 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी कि 1,000 और एक योजन यानी कि 8 मील यानी 12,000 गुना 1,000 गुना 8 इक्वल 9,60,00,000 मील, 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर यानी 9,60,00,000 गुना 1.6 इक्वल 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि आज के मॉडर्न टाइम के नासा द्वारा कैलकुलेट किए गए नंबर से बिल्कुल सटीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चीरों का आविष्कार किया था और गणितीय संख्या को सबसे पहले गुप्तसुमद ऋषि ने आगे बढ़ाया था। भास्कराचार्य ने 1150 में ही ये गणना कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है और बुध की एक परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाती है। आयुर्वेद के साथ साथ सर्जरी की सबसे पहले खोज भारत के ऋषियों ने की थी। सुश्रुता ऋषि को द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनकी टीम के साथ आज से 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी, आंखों की सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। आज के मॉडर्न समय में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में भारत में थी, जहाँ 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के साथ साथ 64 कलाओं को सिखाया जाता था। 1850 तक भारत में 7,32,000 से भी ज्यादा गुरुकुल थे, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ नृत्य, संगीत, वादन जैसी 64 कलाओं को पढ़ाया जाता था। और तब ब्रिटिशों ने नोटिस किया कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारत के गुरुकुल को नष्ट करना होगा, और इसलिए ब्रिटिशों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया और एक के बाद एक सारे गुरुकुल पर ताले लगा दिए, और गुरुकुल में पढ़ाने वाले सारे गुरुओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया, और जितने भी ग्रंथ और पुस्तक हाथ लगे उसको इंग्लिश में अनुवाद करके ब्रिटेन भेज दिया गया। अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि 1860 के बाद ब्रिटिशों ने एक के बाद एक खोज कैसे की होगी। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत 18 सेंचुरी तक विश्व का सबसे अमीर देश था, और 1896 से पहले भारत विश्व में डायमंड उत्पादन करने वाला इकलौता देश था। जब भारत ब्रिटिशों के नियंत्रण में था तब ब्रिटिशों ने भारत की $45 ट्रिलियन की वेल्थ चुराई थी और भारत को लूट कर खोखला कर दिया था, लेकिन वो भारत की प्रतिभा और सभ्यता को नहीं चुरा पाए। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया था, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है। और जिस ब्रिटेन ने भारत पर कई सालों तक राज किया था, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है। इतना ही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जिसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी किसी के बस की बात नहीं है। नल में पानी भले ही थोड़ा लेट आए, लेकिन चंद्र पर सबसे पहले पानी की शोध हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने की थी। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश हमारा प्यारा भारत है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है जो पूरे विश्व को सुनानी है। हम उस देश के नागरिक है जिसने एक ही रॉ कदम रखेगा। जब हौसला बना लिया हो उसी उड़ान का, फिर देखना फिजूल ही कद आसमान का। 2019 में मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके भारत विश्व का चौथा देश बन गया था जिसके पास अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, भारत विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल है जिसने खुद का अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर, टू व्हीलर, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट, दूध और शुगर भारत प्रोड्यूस करता है। स्मार्टफोन, स्टील, सीमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट, राइस, वीट और कॉटन प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में दूसरे रैंक पर है। इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डायमंड्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूस करने में तीसरे, और कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करने में चौथे रैंक पर है। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत विश्व की 60% वैक्सीन अकेला प्रोड्यूस करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूसर है। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत आज भी विश्व की सोने की चिड़िया है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारतीयों के पास है। भारतीयों के पास 25,000 टन से लेकर 30,000 तक का सोना है, जिसकी वैल्यू इटली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। खेल हम सब की शान है और उसे बनाने वाला महान है।
क्योंकि विश्व के कुछ सबसे बड़े खेल कबड्डी, स्नूकर, चेस, जूडो, पोलो, बैडमिंटन, सांप सीढ़ी जैसे खेलों का इजाद भी भारत ने ही किया था। जीरो से लेकर मैथमेटिक्स तथा यूएसबी से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारत यही है। दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हमने निर्माण किया है। टॉयलेट बनाने की तकनीक से लेकर शैम्पू तक, कार्बन पेगमेंट से बनी पेन की इंक से लेकर शर्ट पर लगाने वाले बटन तक, स्पिनिंग व्हील से लेकर सौंदर्य सजाने वाले आभूषण तक, और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ उस देश की देन है जहाँ कण कण में संस्कार और तन तन में आध्यात्मिकता की गंगा बहती है। भारत वो महान देश है जिसकी महानता को वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। भारत की महानता को दिखाने के लिए ऐसे 100 वीडियोस भी काफी नहीं है। हम उस देश के नागरिक है जहाँ हर 50 मील पर रंग रूप पहरवे से भाषा संस्कृति परंपरा बदल जाती है। हम उस देश के नागरिक है जिसको अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ गया था, और यही वो बातें हैं जो भारत को महान बनाती है, और ऐसे महान भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अगर हम रिसेंट टाइम से बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो पहले नंबर पर आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा इंडिया का यानी कि डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा कल्चर जो है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, मेरा निकाल के दुनिया में आपको जो है कहीं पे इतना कल्चर जो है आप देखने को मिलता होगा। हाँ, म्यूजियम्स में जो है आपको चीज़ें जो है पुराने वक्तों से रिलेटेड जो है नज़र आती होंगी, लेकिन वो जो एक पुरानी परंपराएं चलती आ रही है ना, वो आपको इंडिया में ही सिर्फ देखने को मिलती हैं। देखो, मुझे लगता है म्यूजियम में एक चीज पड़ी हो और एक आप लाइव देख, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, डिफरेंस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि उसने अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। इतना पोटेंशियल उनको मतलब नज़र आता है अपनी पॉपुलेशन में कि किस तरीके से हम एडवांटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अचीवमेंट्स शायद अभी भी गुमनाम होंगी, और उसकी रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा इन्वेजन्स के बाद जब इतनी सारी चीज़ें जो हैं मतलब वो प्रिजर्व हुई हैं, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग देखते हैं कि खत्म हो चुकी हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो सब बुक्स भी होती, वो सब चीजें भी होती, तो आज हमें और ज्यादा इन्वेंशंस के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जो कि सनातन धर्म में आपको नजर ना आए। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि आपके पास लॉजिकल आंसर है हर क्वेश्चन के। यार उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैं बचपन से जो है एक चीज जो है यहाँ पर सुनता आया हूँ, यानी कि अपने टीचर से भी सुनता आया हूँ, और जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनसे भी ये चीज़ें जो है मैंने सुनी है कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो वो यहाँ से नो डाउट बहुत सारा जो है चीज़ें लूट कर ले गए, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी किताबें जो उनके फ़ायदे की थी वो जो है अपने साथ ले गए। ये तो अब आकर जो है पता चलता है कि भाई वो कौन सी किताबें जो हैं लेकर गए, क्योंकि उस टाइम क्योंकि बचपन में इतनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस नहीं थी होती, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता था कि भाई किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि अब जब देखते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई ये जो है 200-300-400 साल पहले जो है अंग्रेज़ों ने रिसर्च की इस पर, लेकिन उससे जो है कई हज़ार साल पहले जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उन्होंने इन चीज़ों पर काम किया, उन्होंने बैठकर ज़मीन से सूरज का फासला निकाला, उन्होंने ज़मीन का पूरा रेडियस निकाला, उन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया, इन बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किया। तो ये अब आकर हमें जब पता चलता है तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई प्राउड भी फील होता है। लेकिन जो है एक चीज़ जिस पर हम कहते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारी चीज़ों को अपना कर, ठीक है ना, एक उस पर वेरिफिकेशन का ठप्पा लगा कर हमें जो है ना एक तरह का वो कर दिया कि भाई तुम लोगों को कुछ भी नहीं था पता, सब कुछ हमने बताया है। लेकिन पता मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी इन्वेजन्स हुई, ओके, बहुत सारे इन्वेडर्स आए, मतलब मुगल भी आए, और फिर उसके बाद मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि आखिरी चोट मारना, ठीक है ना, वो मुझे लगता है कि इन लोगों ने मारी। क्योंकि हम लोगों ने बाकी सारी भी वीडियोस देखी जिसमें ये भी बताया गया कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो चेंज कर दी गई थी, ठीक है, और आपका गुरुकुल बंद कर दिए ना,
गुरुकुल तो बंद हो गया, लेकिन जो बुक्स लोगों को पढ़ाना शुरू हुए, बच्चों को पढ़ाना शुरू हुए स्कूल में, वो सब चेंज कर दिया. लोगों में एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन लोगों ने अपना ली, ताकि ये लोग कभी यूनाइटेड ना हो सके. और उसका असर अभी तक मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि अगर हम लोग इंडिया को देखें तो वो अपनी संस्कृति को जिस तरीके से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और लेकर चल रहे हैं, और जो वो अचीवमेंट्स हम कहेंगे कि वो ऐड करते जा रहे हैं. ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग ये भूल गए हैं कि ये जो सारी अचीवमेंट है ये हमारे, हमें भी इस पे इक्वली प्राउड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स ने की हुई है. फिर उसके बाद हम अपना कल्चर भूल चुके हैं. जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, हम लोगों की जो रिसर्च है, जो इतना हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिकली हर चीज़ की, स्पेशली स्पेस वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो कल भी हम लोग बैठकर यही बात कर रहे थे, यू नो ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे थे. तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ये चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, रादर देन कि हम डिनाई करें नहीं ये हमारी नहीं है. क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं और सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, आज साइंटिफिकली वो सब प्रूव हो रही हैं. इवन के आए दिन आपको ब्लैक होल की पिक्चर्स जो हैं वो नासा की तरफ से देखने को मिलती है. उसमें जो साउंड है उसकी जो आवाज है वो ओम की आवाज आपको, यू नो वो वाला आपको साउंड सुनने को मिलता है. सो ये सारी चीजें जो है वो आप ऑलरेडी सनातन धर्म में सुन चुके हैं. तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर एक गैप आ चुका हुआ है लोगों के बारे में, लोगों के बीच में, कि वो क्या उनको जानना चाहिए और किस किस चीज पर उनको जो है वो प्राउड फील करना बिल्कुल चाहिए. असल में पता है क्या, वो जो लोगों के दिमाग में बड़ी देर से फुल स्टॉप लगाया हुआ था ना, तो इंडिया में तो मैं देखता हूँ कि भाई लोगों के दिमाग से ना वो बहुत देर से, आजादी के कुछ अरसे बाद ही, ठीक है ना, इंडिया की जो एक कह लें कि आप जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो हटाना जो है शुरू कर दिया. लेकिन साइड में यहाँ पर देखता हूँ तो आपको जो है ना कुछ अरसे तक आपको नॉलेज दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है ना आपके फुल स्टॉप लगाकर आपको जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया गया, और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना चीज़ें सिखाना शुरू कर दी गई जो कि आगे जाके एक यू नो किसी के फ़ायदे की नहीं रही. अभी अगर हम देखा जाए तो हमें अभी तक जो हमें पाकिस्तान में एक देखने को मिलता है कि भाई एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में देखने को मिलती है, सारों में नहीं लेकिन एक बहुत ज़्यादा ऐसा है जो लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं. तो ये चीज़ जो है आज नहीं बल्कि एक बड़े लंबे अरसे से जो है चलती आ रही है. उसकी रीज़न ये कि लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, लोगों को एक साइड से हटाकर दूसरी साइड पर जो है ले जाया गया. तो मेरा ख्याल है कि भाई टाइम के साथ साथ चीज़ों को जो है ना अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी जो है जो कल्चर है, जो अपनी रूट्स हैं उस पर प्राउड फील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन पता है मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलूँगी कि लाइक जो अच्छे लोग भी हैं ना पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कहती कि सब बुरे हैं, अच्छे लोग भी जो है ना उनका भी मुझे लगता है कि दिमाग इतना खुला नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर सकें या फ्लेक्सिबिलिटी उनमें हो. तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से यू नो एक उनको बना दिया गया है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है. बाकी वाकई में जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अब तो हमें काफी टाइम होता जा रहा है कि हम लोग इंडिया की जो अचीवमेंट है एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक हम लोग वो देखते आ रहे हैं. आई मीन आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट नजर आ रही होती है, कोई नए प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं. लेकिन दूसरी साइड पर आपको आपके जहन में ये चीज आती है कि बींग पाकिस्तानी आपने कौन कौन सी अचीवमेंट है, आपकी क्या किया आपने, मतलब अगर आपने किया है तो वो लिस्ट क्यों नहीं सामने आती, वो चीजें वो नाम क्यों नहीं सामने आते. तो मुझे लगता है कि ये चीज दोनों देशों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको ये चीजें सोचनी चाहिए कि एक नेशन को अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. क्योंकि इनिशियली भी अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग इंडिया की बात करें इंडिपेंडेंस के बाद तो कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम देखी है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनकी कंट्री में सुधार आया, लिबरलाइजेशन हुआ, मुझे लगता है कि वो चीज बहुत अच्छी है. फिर अगर हम लोग स्पेस प्रोग्राम की आज के टाइम में बात करें तो पूरी दुनिया में वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. और स्पेस प्रोग्राम के अगर हम लोग इनिशियल डेज की बात करें तो जो प्रॉब्लम इंडिया ने फेस की स्पेशली अमेरिका की तरफ से, तो उसके बावजूद जो लोगों का योगदान रहा उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसका, फिर उसके बाद होमी बाबा का की अगर हम बात करें, फिर हम लोग जो एक और साइंटिस्ट है विक्रम साराभाई उनकी बात करें, सो वाकई में बहुत बहुत उन्होंने मैं कहूंगी अपना योगदान दिया. फिर आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की हम लोग बात करें तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ना जो ग्रेट हम कहेंगे कि एक तरह से लीडर्स हम लोग बोल सकते हैं,
क्योंकि मुझे लगता है कि उनके योगदान की वजह से वो इतने ज्यादा इंस्पायर करते हैं वो आने वाली यूथ को कि वो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। अब 1963 से लेकर अगर हम लोग अभी तक का सफर देखें तो इंडिया ने इसरो में बहुत बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और बाकी सेक्टर्स में भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने काफी ज्यादा तरक्की की है। बाकी ये कि अच्छा लगता है देखकर और कुछ नया सीखने को मिलता है कि जो आज हम लोग जदीद दौर में भी हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं वो एंशियंट टाइम में ऑलरेडी थी, बस हम लोगों को नहीं पता था। बाकी आप जरूर बताइएगा ऐसी कोई इन्वेंशन जो कि इसमें मिस हो और आपको पता हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ मैं वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।